नमस्कार, वैशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम चावल के आटे के पापड़ बनाएंगे, वो भी बिना फटे, एकदम 3 गुना फूलने वाले चावल के पापड़ है। इसे बनाने का बहुत इजी तरीका है। ये पापड़ तलने के बाद 3 गुना फूल चुका है। कुछ लोगों के पापड़ बीच में से फट जाते, उसका एक रीज़न बताऊँगी और ये फटे ना इसके लिए एक सीक्रेट टिप बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। तो चावल को हमने अच्छे से धोकर फैन के नीचे सुखाकर इसे पीस लिया है। तो इसे हम डालेंगे एक बड़े से बाउल में। आटे को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आटे को छान लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जिस कटोरी से हमने माप लिया था, आप कोई भी कटोरी या फिर कप मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। मैंने इस तरह से कटोरी से माप लिया था, उसी कटोरी से पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। पहले हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। ये देखिए, इसे इसी तरह से मिक्स करते रहना है, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो पहले हमने 1 कटोरी पानी डाल लिया है, बचा हुआ पानी है वो भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी पानी यूज़ किया है, आप कप या कोई भी कटोरी से मेजरमेंट रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पतला घोल बनाया है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है, इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी। इसी कटोरी से हमने चावल का आटा नापा था, तो 1.5 कप हमने पहले पानी डाल लिया है। अब यहाँ पर उबलने के लिए 1 कप पानी डाल लिया है, इसमें ऐड किए 1/4 चम्मच फिटकरी, 1/4 चम्मच खाने का मीठा सोडा और स्वाद के अनुसार नमक डाला है। आप नमक ध्यान से डालिएगा, इस पापड़ में नमक कम हो तो भी चलेगा। अब इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा, आप इसमें सफ़ेद तिल डाल सकते हैं या फिर अजवाइन डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हमने पहले बनाया हुआ चावल का आटे का घोल। तो इस तरह से इसे चलाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम हम लो करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से बैटर डालते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है, हाथों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम मिक्स करेंगे ना, इसमें लम्स बनने के चांसेस कम होते हैं। लो हीट पर इसे पकाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। इस तरह से पापड़ बनाने से हमारे पापड़ कभी नहीं फटते। तो चलिए, हम इसे अच्छी तरह से पकाते हैं। अब इसी तरह से इसे चलाते रहना है जब तक हमारा आटा अच्छी तरह से पकने जाता है। तब तक ये देखिए, अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। तो और थोड़ा हम गाढ़ा बनाएंगे, इसे अच्छे से पकाएंगे। पकने के बाद ये आटा अच्छे से फूल जाता है। अब इसे ढककर रखेंगे। ये देखिए, 5 मिनट के लिए हमने इसे ढककर रखा था, गैस की फ्लेम अभी भी लो है। चलिए इसे फिर से मिक्स कर लेते। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसे अच्छी तरह से अंदर ही स्टीम होने देंगे। गैस की फ्लेम बंद करेंगे, कढ़ाई के ऊपर फिर से एक लीड रखेंगे और इसे इसी तरह से हल्का सा ठंडा होने देंगे। तब तक हमारा जो आटा है अच्छी तरह से फूल जाएगा। ये देखिए, ठंडा होने के बाद हमने इसे चेक किया है, तो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बस हम इसे इजीली छू पाए इतना ठंडा करना है। अब एक बड़ी सी परत लीजिएगा, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हमने जो चावल का आटा बनाया था हमने, तो इस तरह से डालेंगे। इसे स्टीम होने के लिए रख दिया था ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तो एकदम अच्छे से पक चुका है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना हमें। एकदम अच्छे से मसलते हुए इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारे पापड़ बिल्कुल ना फटे। यही जो ट्रिक है लोग करते नहीं है, आटे को अच्छी तरह से मसलना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक सीट ली है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे। दोनों सीट पर इसी तरह से ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे पापड़ बिल्कुल भी ना चिपके इसके ऊपर। तो इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा। तो चलिए, सीट को अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है। अब हल्का सा छोटा सा बॉल लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर रखेंगे एक प्लास्टिक सीट। ये देखिए, एकदम अच्छे से इसके ऊपर एक सीट रखेंगे प्लास्टिक की, और इसके ऊपर कोई भी थाली या फिर इस तरह से प्लेट ले सकते हैं। हल्का सा ऊपर से प्रेस करने से इजीली पापड़ बन जाता है।
आप ये पापड़ मशीन से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एकदम इजीली पापड़ बन चुका है। चलिए इसे सूखने के लिए हमने फिर से नीचे प्लास्टिक सीट रख दी है, इसके ऊपर हम इसे सूखेंगे ताकि प्लास्टिक सीट पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। कपड़े पे ही डालेंगे तो ये फट जाएगा, तो इसे सुखाना है प्लास्टिक सीट पर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से हम बचे हुए पापड़ इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए हल्का सा प्रेस करने से इजीली पापड़ बन जाता है। ये आपको अभी मोटा दिख रहा होगा लेकिन सूखने के बाद और भी पतला हो जाता है। तो चलिए हम इसे फिर से सूखने के लिए रख देते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे सूखने के बाद दिखाती हूँ ये कैसे बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतने पापड़ बनाए हैं। एक कप आटा से 100 से भी ज़्यादा पापड़ बन जाते हैं और ये इजीली बन जाते हैं। तो कितने अच्छे से पापड़ बन चुके हैं। तो ये देखिए पापड़ अच्छी तरह से सूख चुके हैं। इसे मैंने फैन के नीचे ही सुखाया है। इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बस स्टोर करने से पहले इसे एक बार धूप में रख दीजिएगा 1-1.5 घंटे के लिए, फिर ये स्टोर करने के लिए रेडी है। तो चलिए मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये कम से कम ऑयल में भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा पापड़ फूल चुका है, 3 गुना ये पापड़ हो चुका है। तो चलिए दूसरा भी पापड़ डाल के दिखाती हूँ। देखिए डालने के बाद तुरंत ही फूल कर ऊपर आ जाता है और कितना बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको इजी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको ऐसे मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे वो भी फ्री में। तो आप भी इस तरह से पापड़ बनाकर देखिएगा, ज़रूर आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए एकदम सफ़ेद पापड़ हमारे फ्राई होके तैयार है।